अभी आजम के पास पूरे सऊदीया में एक मौलवी भी नहीं था जो डॉक्टर अशरफ का मुकाबला कर सकता। डूब के मर जाओ वहाबियों, चुल्लू में पानी लो, डूब के मर जाओ। इमाम मोहम्मद रजा के एक फिक्री बेटे का मुकाबला पूरी वहाबियों नहीं कर सकी। उन्होंने कहा मेरे सामने कोई वहाबियों का यहां अरब का मुल्ला बिठाओ, अगर मैं चंद मिनटों में उसे उल्टा ना कर दूं तो रसा का बेटा ना देना। कई शाने शाने जो है ना, कई जो बगले बजा रहे कहते हैं जलाली को वापस कर दिया, देखो देखो। तो मैंने कहा अच्छा, तो जिन्होंने वापस किया वो तुम्हारे अब्बे लगते हैं, बाबा लगते हैं, वो कौन है पता है? जिन्होंने वापस किया उन्होंने तो सैयदा ज़हरा की कब्र पे बिल्डोजर चढ़ाया। तुफ है तुम्हारे ऊपर, और बगैर तो तुम यूं तबाह हो गए। और बेशर्मा सऊदीया वालों ने, उन नजदियों वहाबियों ने सुन्नी आलमे दीन, गैरतमंद आलमे दीन को वापस किया तो बगले बजा रहे और बताना ये चाहते हैं हम मुश्तरका औलाद हैं वहाबियों की और शियों की, मुश्तरका औलाद हैं बिल्कुल। हम आज बताना ये चाहते हैं, मैं सही कह रहा हूं, बताने ये चाहते हैं हमारी पैदाइश में ईरान के धुएं का भी हिस्सा है और नजद के काले पत्थरों का भी हिस्सा है। ये बताना चाहते हैं जो कमीने भौंक रहे सुनियों को, तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, खुदा रसूल से तो मुझे मोहब्बत है, दीन से, साहबा से, आले बैत से। आज के दौर में मैं मिंबर पे बैठ के ऐलान करने लगा हूं, पता नहीं जिंदगी कितनी है। ये याद रखना मुझे दिल से दो बंदों से आज के दौर में खास मोहब्बत है। एक का नाम है अमीर आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी। मुझे मौलाना इलियास सत्तार कादरी से मोहब्बत है, मोहब्बत है मुझे। एक एक क्यों? इसलिए कि वो सुन्नी अकीदे के बॉर्डर्स का पहरेदार है, और दूसरा मुझे मोहब्बत है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली से। जिसके मुंह में जबान है वो बोले।